हाय गाइस, मेरा नाम यश है। आप देख रहे हैं सिनेस्पिक और आज हम करने वाले तुम्बाड़ मूवी का रिव्यू। बिकॉज अभी तुम्बाड़ मूवी जो है वो री रिलीज हो चुकी है और आज यहाँ पे जो है बहुत लोग थिएटर में आए थे, तो हम उन्हीं लोगों से बात करके जानने वाले कि उनको ये मूवी कैसी लगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अथर्व जोशी है और मूवी मस्त थी एकदम। आपको इस मूवी में सबसे बेस्ट सीन क्या लगा और कैसा लगी ये मूवी, लाइक कितना हॉरर लगा? मूवी बेसिकली इसमें जो VFX और जो स्टोरी लाइन थी वो बहुत मजेदार थी, पूरा इंटरेस्टिंग था स्टोरी और हॉरर थी, लेकिन उससे ज्यादा मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट था वो एक नंबर था, वो पसंद है। कितना कॉमेडी लगा? कॉमेडी हाँ, अभी लास्ट में वो छोटा ऐसा सीन था वो बहुत कॉमेडी था, लेकिन थी मस्त थी। एक बेस्ट डायलॉग क्या लगा पूरे फिल्म में? सोचा वरना हंसकर आ जाएगा। और आइए अभी हम और लोगों से भी बात करते हैं। आपको मूवी कैसी लगी और आपका नाम क्या? मेरा नाम रुद्र है और मस्त थी, थ्रिलर एकदम। इस मूवी में बेस्ट सीन कौन सा लगा और बेस्ट डायलॉग कौन सा लगा? बेस्ट डायलॉग भाई सोचा वरना हंसकर आ जाएगा। और बेस्ट सीन? बेस्ट सीन मतलब कौन सा अभी पूरा दे मतलब कैसे बता सकते, तो भी वो ये लास्ट वाला जो सीन था जहाँ पे सारे हंसकर एक साथ आए, हाँ वो वाला बहुत मतलब थ्रिलर लगा था ऐसा। सबसे ज्यादा डरावना सीन कौन सा लगा पूरे मूवी में? डरावना सीन मेरा डरावना सीन जब वो रघु को ये लेके जाता है हंसकर तभी वाला, वो बहुत डरावना। थैंक यू, वेलकम। आप लोग को तुम्बाड़ मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी। फर्स्ट हाफ में एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा दिया था और सेकंड में वो पूरा खोल दिया। सस्पेंस और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। आपको तो पूरे मूवी में बेस्ट सीन और बेस्ट डायलॉग कौन सा लगा? बेस्ट सीन वो जब बारिश आ रहा है और किला निवाड़ा दिखाया है, मतलब वो गाड़ी जा रही है और बारिश आ रही है, वो शॉट उसको अच्छा लगा। और मुझे वो अच्छा लगा कि वो दादी का पूरा वो झाड़ बन वो 14 साल के बाद वापस आते हैं, तो वो बहुत अच्छा था। पूरे मूवी के अंदर सबसे हॉरर सीन कौन सा लगा? हॉरर सीन जब भी वो अकेला जब भी घर पे रहता है, वो उसको दादी को खाना देने जाता है, वो सीन बहुत हॉरर रहता है क्योंकि वो जाता है वो ज़्यादा हॉरर था। पूरे मूवी के अंदर इमोशनल सीन कौन सा लगा? इमोशनल सीन तो अपने पैर पे वो गुड़िया बांधता है और अपने बच्चे के लिए अपनी जान दे देता है। हाँ, इमोशनल सीन वो भी था कि वो ऐसा कैरेक्टर है कि उसको इमोशनल लगता है, उसको वो उसके फ्रेंड के लिए भी इमोशनल लगा जब भी वो ऑफ होता है, तो वो है थोड़ा इमोशनल विनायक। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। हाय मैम, आपने भी जस्ट रिसेंटली जो आप तुम्बार मूवी देखा है, तो आपको मूवी कैसी लगी? बहुत सही लगी, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स लगी। मूवी के अंदर आपको बेस्ट सीन क्या लगा? बेस्ट सीन जब भी वो बहुत सारे लालच में गुड़िया बनाते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हम एक के बाद एक देंगे, लेकिन ट्विस्ट होता है और उतने ज्यादा हंसते रहते हैं जितना उन लोग बनाते हैं, तो वो सबसे ज्यादा। आपको बताइए आपको मूवी कैसी लगी और बेस्ट सीन कौन सा लगा? मैंने सेकंड टाइम देखी है ये मूवी और तुम्बाड़ सेकंड टाइम इसीलिए आई हूँ देखने, क्योंकि हर एक सीन उसका फैंटास्टिक है, उसका नेचुरल लुक है, हर एक सीन का नेचुरल वेदर में वो शूट किया है, वही बहुत बड़ी बात है। कोई लाइट्स या फिर कोई ये यूज करके कुछ क्रिएट नहीं किया है उन्होंने, जो कुछ किया है और नेशनल और ओरिजिनल है, वही सबसे बड़ी बात है और हर एक सीन फैंटास्टिक है। आपको पूरे मूवी के अंदर हॉरर सीन कौन सा लगा? जब वो क्या वो सदाशिव की वो दादी जो होती है फर्स्ट टाइम उसका जो लुक देखा और वो आउटस्टैंडिंग था, मतलब उसका मेकअप जो भी जिसने वो रोल किया होगा, उसकी एक्टिंग सब कुछ आउटस्टैंडिंग। आप लोगों को पूरे मूवी के अंदर लाइक बेस्ट डायलॉग्स कौन कौन से लगे? द गाली सीन जब वो आता है और उसको हरामी और और वो दादी का खजाना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग डायलॉग आ रहे थे। मेरे को एक क्यूरियोसिटी है, एक थ्योरी है कि अगर वो इतने सारे आटे की गुड़िया बनाए, उसके अलावा एक ही ऐसे बड़ा सा जाड़ा सा आटा का गुड़िया बना देते तो वो एक ही बड़ा वाला अस्तर आता ना। आप पहुंचा दो डायरेक्टर, अगर आप ये हमारा रिव्यू देख रहे तो प्लीज हमारी ऑडियंस की जो डिमांड है उसको फुलफिल कीजिए और इसका पार्ट टू भी लेके आइए। पार्ट टू तो आ रहा है। थैंक यू। एक मिनट सर, आपने जस्ट अभी रिसेंटली जो आप जो थिएटर से बाहर आए, तो आपको तुम्बाड़ मूवी कैसी लगी? तुम्बाड़ तो बहुत अच्छी थी, मतलब उसका जो स्टोरी लाइन है वो एक्चुअली बहुत अच्छा था। फर्स्ट हाफ में उन्होंने स्टोरी बिल्डअप किया
और सेकंड हाफ में पूरा जो उसका मेन मोटो था वो उसने बताया, लाइक ग्रीड एंड ऑल वो सब। पूरे मूवी के अंदर आपको बेस्ट सीन कौन सा लगा? बेस्ट सीन बोले तो ऐसे पूरा मूवी अच्छा है, बट मेरा जो बेस्ट सीन है जिसमें लाइक जब वो पूरा वो सब खजाना कहाँ पे मिलेगा वो सब देखने के बाद जब वो घर पे आता है ना, ऐसे पूरा वो पूरा ऐसे भिखारी के जैसे बन के आता है, और जब वो अपने बीवी के ऊपर झपटा मारता ना, वो मेरे को बेस्ट सीन लगा। लाइक बेस्ट डायलॉग कौन सा लगा पूरे मूवी के अंदर? बेस्ट डायलॉग मुझे तो वो हस्तर वाला लगा, सोजा वाला। और मेरा और एक बेस्ट सीन है जिसमें जो हार्ट पता है हार्ट बीट होता है दादी का, वो पूरा ट्री के अंदर वो उसके ऊपर गूज़बम्प्स आए मेरे को पूरे मूवी के अंदर। लाइक कॉमेडी डायलॉग कौन कौन से लगे? कॉमेडी डायलॉग में एक तो वो कि तुझे क्या फर्क पड़ता है, जिसमें लाइक इससे एज से फर्क क्या पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है करके। जी हाँ, थैंक यू सो मच आपका इतना स्पेशल टाइम जो हमको देने के लिए। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि हमारे वीडियो में लोगों ने कितने अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स दिए, कितना अच्छा रिव्यू दिया है। अगर आप लोग ने भी ये मूवी अगर देखी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग को इस मूवी में क्या बेस्ट पार्ट लगा, बेस्ट सीन क्या था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले किसी फन और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।